अच्छा नौवीं की ऑनलाइन क्लास में सामाजिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत स्वागत है। आज सामाजिक विज्ञान में पढ़ेंगे चुनावी राजनीति अध्याय 3। आपको बता दूं लोकतंत्र वाला जो पाठ है वो अब आपके कोर्स में नहीं, तो ये है चुनावी राजनीति। एक नागरिक शास्त्र का आपका पाठ है, पाठ 3, चुनावी राजनीति। तो चुनाव क्यों आवश्यक है, चुनाव की क्यों जरूरत होती है? तो किसी भी लोकतंत्र में आपको एक नियमित समय के बाद, मतलब जब अपने यहाँ चुनाव होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए उनका कार्यकाल आपको निश्चित होता है। तो किसी दुनिया में कहीं भी अगर चुनाव कराने हैं तो किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल चुनाव का, 100 से अधिक देश ऐसे ही हैं जहां पर क्या होता है, जनप्रतिनिधियों के माध्यम, मतलब उनको चुनने के लिए चुनाव होते हैं, और अनेक ऐसे देश हैं जो लोकतांत्रिक नहीं है, वहां चुनाव नहीं है। तो मान लीजिए कहने का मतलब ये मतलब है कि दुनिया में 100 से अधिक ऐसे देश हैं जहां पर क्या होते हैं, जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए क्या कराए जाते हैं, चुनाव कराए जाते हैं, और अनेक ऐसे भी देश हैं जो लोकतांत्रिक नहीं है, वहां चुनाव नहीं है। पर हमें चुनाव की जरूरत क्यों होती है? तो आज अपन इस पाठ में यही पढ़ेंगे कि हमें चुनाव की जरूरत क्यों होती है, लोकतंत्र की कल्पना कैसे करें, सारे लोग रोज साथ बैठते हैं, सारे फैसले मिलजुल कर लेते हैं, बिना चुनाव के लोगों में शासन संभव नहीं, मतलब जो सामाजिक और राष्ट्रीय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें एक दल की, एक नेता की आवश्यकता होती, जो जिससे वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से चल सके। और लेकिन जैसा हमने अध्याय 1 में देखा था, हमने लोकतंत्र पढ़ा था, उसमें देखा था कि यह संभव है कि हर किसी के पास हर मामले का फैसले करने का समय और ज्ञान हो, इसलिए अधिकांश लोग लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोगों के अपने प्रतिनिधियों की क्या करते हैं, माध्यम से शासन करते हैं। तो जो चुनाव होते हैं किसी भी लोकतंत्र में व्यवस्था में, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वहां पर चुनाव होते मतलब एक नियमित अंतराल के बाद होते हैं, और क्योंकि चुनाव के बिना लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है, एक जगह से, एक कल्पना से प्रतिनिधियों का चुनाव अनुभव के आधार पर किया जाता है। जो चुनाव होता है वह किसके आधार पर होता है? अनुभव के आधार पर किया जाता है। फिर है, लेकिन यह किसी समस्या के लिए जो चुनाव किए जा रहे हैं इनके लिए एक अनुभव, एक आवेदन, जो समुदाय होते हैं, बड़े बड़े समुदायों को ऐसा करना संभव नहीं है। फैसला करने का समय और ज्ञान दोनों क्या होते हैं, चुनाव प्रक्रिया के दोनों ही क्या है, आवश्यक है, जो अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को लोग अपने प्रतिनिधि के माध्यम से क्या करते हैं, शासन करते हैं। फिर चुनाव क्यों किया जाता है? चुनाव के बिना लोकतांत्रिक जो चुनाव है उसके बिना लोकतांत्रिक, क्योंकि चुनाव होते हैं जो लोग मतलब जनता के बिना चुनाव क्या है, संभव नहीं है। जो प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है समाज मतलब कल्पना करने से प्रतिनिधियों का चुनाव उम्र और अनुभव के आधार पर किए जाते हैं, और प्रतिनिधियों का चुनाव शिक्षा और ज्ञान के आधार पर होता है। इसके बाद है, लेकिन फिर भी
अर्थव्यवस्था को लोकतंत्र कह सकते हैं, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा प्रतिनिधि, लोग अपना प्रतिनिधि, मतलब जनता अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनती है। आपने देखा होगा हर क्षेत्र में एक जनप्रतिनिधि होता है। जनप्रतिनिधि मतलब पार्षद। लोग अपना प्रतिनिधि अपनी पसंद है या नहीं, हम व्यवस्था कैसे करेंगे, प्रतिनिधि लोगों की इच्छा के अनुरूप ही शासन करें, हम कई चीजों के लिए व्यवस्था कैसे करेंगे, प्रतिनिधि को लोग पसंद ना करें, पद पर ना बने, ऐसी व्यवस्था करने की जरूरत है। तो लोग नियमित अंतराल के बाद, मतलब एक व्यक्ति को हमेशा के लिए प्रतिनिधि नहीं चुनना पड़ता, एक समय अंतराल के बाद प्रतिनिधि क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है, जनता करती है। अगर इच्छा हो उन्हें बदल भी दे। इस व्यवस्था का नाम क्या है, चुनाव है। अगर जब कोई भी चुनाव होते हैं, पांच वर्ष एक अंतराल के बाद जब चुनाव होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि जो प्रतिनिधि आज है वह प्रतिनिधि कल भी हो। ये व्यवस्था का मतलब नाम ही, मतलब इस प्रतिनिधियों के चुनाव को ही क्या कहेंगे, इस व्यवस्था को नाम को ही क्या कहते हैं, चुनाव कहते हैं। तब आपको बता दूं मैं कि जैसे कभी आप, अब आप 9th क्लास में आ गए हो तो आपको चुनाव का मतलब तो मालूम ही है। चुनाव होते हैं तो अलग अलग दल के अलग अलग नेता होते हैं, दल होते हैं, उनके नेता होते हैं, उनके चुनाव चिन्ह होते हैं, और जनता उन्हें अपने स्वयं के विवेक से क्या करती है, चुनती है, उसे चुनाव कहते हैं। इस प्रकार समय की प्रतिनिधित्व हमारे लोकतंत्र चुनाव के लिए क्या हो गया है, मतलब जिससे लोग निर्मित अंतराल के बाद प्रतिनिधि को चुन सके, अगर इच्छा हो तो उन्हें क्या कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं। और इसलिए हमारे समय में प्रतिनिधियों को लोकतंत्र के चुनाव को जरूरी माना जाता है। चुनाव में मतदान कई तरह के चुनाव करते हैं, मतलब चुनाव में मतदाता मतलब जनता कई तरह के क्या करते हैं, चुनाव करते हैं, वो जिसको चाहे वोट दे सकते हैं, उनको उसके लिए क्या है, स्वतंत्र है। तो चुनाव में मतदान की तरह वे अपने लिए क्या करते हैं, कानून बनाने वाले चुनाव कर सकते हैं, वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने का भी क्या कर सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं। सरकार बनाने वाले और बड़े फैसले का चुनाव कर सकते हैं, और वे सरकार और उसके द्वारा बनाए गए कानूनों को दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का भी चुनाव कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, चुनाव के मतदान के तब चुनाव करने के लिए ही वे अपने कानून बनाने, तब स्वयं जनता अपने कानून स्वयं नहीं बनाती, मतलब दूसरे जो चुनाव का मतलब दल का नेता होता है वह क्या करता है, कानून बनाता है, और सरकार बनने पर बड़े फैसले करने पर मतलब जो सरकार चुनी जाएगी वह बनाकर उनको बड़े फैसले करने पर का मतलब चुनाव कर सकते हैं। सरकार द्वारा कानून और दिशा निर्देश की पार्टी का भी क्या करते हैं, चुनाव कर सकते हैं। उसके बाद है चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का अधिकार क्या है, मतलब जो चुनाव है उसको लोकतांत्रिक, चुनाव कई तरह के हो सकते हैं, लोकतांत्रिक देशों में चुनाव होते हैं, यहाँ तक अधिकांश गैर लोकतांत्रिक देश किसी ना किसी तरह से चुनाव होते हैं। तो लोकतांत्रिक 100 चुनाव कैसे हो गए, लोकतांत्रिक हुए, इसे जांचने के लिए हमारा एक पैमाना भी है। हल्की सी चर्चा की जाए इस पर बच्चों, तो देखें कि हम अनेक देशों में चुनाव के उदाहरण दिए गए हैं जहां हम लोकतांत्रिक चुनाव नहीं मान सकते। आइए यहाँ सीखें, सबक लें, याद करें और लोकतांत्रिक चुनाव की जरूरत और शर्तों के बारे में अपनी बात को क्या करें, अपनी बात मतलब चुनाव के लिए क्या जरूरत है उसके लिए पहले। तो पहला, हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, मतलब हर व्यक्ति स्वतंत्र है चुनाव करने के लिए कि हमें कौन सा प्रतिनिधि चाहिए, मतलब हर व्यक्ति मताधिकारी हो और हर किसी को मतदान का समान, तो जो हर व्यक्ति के मतदान का मूल कैसा हो, सामान्य हो,
दूसरा हो गया चुनाव के लिए विकल्प उपलब्ध हो, मतलब चुनाव करने के लिए विकल्प पार्टी और उम्मीदवार को चुनाव में उतारने की आजादी हो और मतदाताओं के लिए क्या हो, विकल्प पेश हो। तो तीसरा है चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता है, नए चुनाव कुछ वर्षों में जरूर कराए जाने चाहिए। चौथा, लोग जिसे चाहे वास्तव में चुनाव की उसी का होना चाहिए, तब जनता अगर चाहे तो। चुनाव का अवसर कैसा होता है, नियमित अंतराल पर सबको मिलता है और जिससे वह कुछ वर्षों के लिए जरूर कर, मतलब चुनाव को कुछ वर्षों के अंतराल में जरूर कराया जाना चाहिए, लोग चाहे तो वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए। पांचवा है चुनाव स्वतंत्र और कैसे होने चाहिए, निष्पक्ष ढंग से होने चाहिए। तो ये हो गए चुनाव कराने के लिए जो है जरूरी, अपने मतलब जो चुनाव कराने के लिए शर्तें या न्यूनतम मतलब जो है न्यूनतम शर्तें हैं। फिर है चुनाव कराने के लिए पांचवा, स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से क्या कराया जाए, चुनाव कराया जाए। तो ये शर्तें और बहुत आसान और सरल लगने, मतलब जो शर्तें हैं जो उससे चुनाव करने में क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा। लेकिन अनेक देश ऐसे भी हैं जहां चुनाव से शर्तों को पूरा नहीं किया जा सकता, मतलब जो देश हैं वो चुनाव को मतलब शर्तें नहीं मानते, वे इस पे मतलब वे शर्तें लागू करने के जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ चुनाव में लोकतांत्रिक मतलब जो चुनाव है वह लोकतांत्रिक कहा जा सकता है या नहीं। उसके बाद अगले नेक्स्ट चैप्टर में अपन पढ़ेंगे क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अच्छी चीज है। तो आज अपन ने चुनाव राजनीति के बारे में पढ़ा, चुनाव क्यों आवश्यक है और चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का क्या आधार है। धन्यवाद।